मुझे 8 साल उससे सुना ही नहीं था, लगभग 4-5 डॉक्टर उससे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने बताया कि कुछ इलाज नहीं हो सकता इसका, मशीन यूज करो या फिर ऑपरेशन करो। मैंने यूट्यूब पे हमेशा सर्च करती थी कि कुछ इलाज है क्या, तो इसमें मुझे प्रवीण सर का वीडियो दिखा, तो मैंने वहाँ फ़ोन करके इंक्वायरी की, फिर वो सब वीडियो देख के मुझे लगा कि मेरा भी इलाज हो सकता है, तो मैं हम लोग यहाँ आए और इलाज करवाए 2 घंटों का, और उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जैसे सामने वाले आदमी से मैं बात करने में थोड़ा उनका समझ में नहीं आता था बराबर, आज मुझे जो सर ने वो बताया वो बहुत यानी पूरा ही समझ में आया। राजेंद्र बोलना ठीक लग रहा है, पहले से तो बहुत सुना है, तो किसी भी बात है सर ये लोग बहुत अच्छी बात है कि बिना ऑपरेशन से और कम समय में जो अच्छे होता है, तो किसी जो जिनको कान में सुनाई नहीं देता उनको भी फायदा हो। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एलोपैथी के पास कुछ इलाज नहीं है, मैं भी करवा चुकी हूँ, वो ऑपरेशन या मशीन से आपके कान को ज़्यादा खराब कर देंगे, ये बेटर है, अगर हो सके तो आप इलाज करवा के देखिए। नसें सूख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार के बहरेपन को अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन की सुनवाने की क्षमताओं को बढ़ाने के स्पेशल शिविर कर्ण दोष निवारण केंद्र में लगाए जा रहे हैं। कम सुनने वाले न सुनने वाले और जन्म के बहरे मुंह सभी के लिए वरदान रूप सिद्ध हुई है।